क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की गांधी परिवार की एक महत्वपूर्ण हस्ती प्रियंका गांधी के बीच में कुछ चल रहा है, कोई समझ बन रही है? एक बड़ा सूत्र है जिस जो अगर फलीभूत हुआ तो उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है अगर कांग्रेस नेतृत्व और मायावती के बीच में कोई चुनावी समझ बने तो। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के स्तर से ये पहल हो रही है, यानी तो शीर्षस्थ चेहरे अपनी अपनी पार्टियों के संपर्क में आए हैं। ये होगा नहीं होगा तो अभी कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि मायावती जी का भी जो अपना राजनीतिक कार्यशैली है वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली है। लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस बात को वजन देती हैं कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा होगा। पहले वो बातें समझ लो। एक तो ये कहा ही जा रहा है कि इस बार गांधी परिवार के तीन लोग एक साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव में उतर सकते हैं लोकसभा। श्रीमती सोनिया गांधी भी रायबरेली से लड़ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी के लिए उपयुक्त चुनाव क्षेत्र क्या हो ये खोजा जा रहा है। लेकिन संकेत है कि तीनों लोग यानी माँ पुत्री और पुत्र तीनों लोग यानी समूचा कांग्रेस आला कमान उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर वैसी स्थिति है कांग्रेस के लिए तो तब भी ये जरूरी है कि बसपा के साथ उसका एक कॉर्डियल रिश्ता हो, क्योंकि गांधी परिवार चुनावी चक्रव्यूह में फंस जाए, अमेठी का पिछला चुनाव का हादसा गांधी परिवार को याद है, तो उसके लिए मुश्किल होगा इस बार। इसलिए वो चाहेगी कि बसपा के साथ भी उसका रिश्ता कम से कम उतना अच्छा जरूर हो जाए जिसको हम लोग वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा, इस बात को बल कैसे मिल रहा है उस बात को थोड़ा समझिए। ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस का दलित चेहरा थे और इस नाते उनको अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का 11 महीने पहले, लेकिन खाबरी बसपा से आए थे। तो अचानक से खाबरी जी को कहा गया भाई आप जाओ, अब आपका काम पूरा। एक क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए थे कांग्रेस ने 4, उसमें एक थे नकुल दुबे, वो भी बसपा से आए थे, एक दौर में बहन जी के बड़े खास थे, बसपा के ब्राह्मण चेहरों में उनकी गिनती होती थी, उनको भी कांग्रेस ने हटा दिया किनारे पर। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सुप्रीमो के रत्नों में से एक थे, महारत्नों में से एक थे, 18-18, 20-20 पोर्टफोलियो उनके पास रहते थे जब मायावती जी मुख्यमंत्री रहती थी। वो नसीमुद्दीन बसपा छोड़ के कांग्रेस में आए, बहन जी को खरी खोटी सुना के कांग्रेस ने उनका स्वागत किया, मीडिया सेल का और किस किस का उनको प्रभारी और अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने उनको भी किनारे कर दिया, मीडिया सेल की चेयरमैन उनसे भी ले ली, कहा भाई आप साइड में जाओ। ऐसा क्यों हुआ है? बसपा से आए सारे बड़े नेताओं को कांग्रेस आला कमान ने किनारे क्यों कर दिया? कोई तो वजह होगी। क्या ये मायावती जी की नाराजगी है कि भाई हमारे यहां से जो लोग आपके यहां गए पहले उनको महत्वहीन करिए उसके बाद बात करें? लेकिन एक तरफा मोहब्बत नहीं है, इश्क दोनों तरफ परवान चल रहा है। बसपा सुप्रीमो ने भी कांग्रेस का इस संदर्भ का मान रखा है। इमरान मसूद पुराने कांग्रेसी, राहुल गांधी के करीबी, प्रियंका गांधी के कृपापात, वो कांग्रेस से सपा होते हुए बसपा में आए, बहन जी ने उनको खूब लाभ लश्कर दिया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और कहां कहां का प्रभारी बना दिया। अब बहन जी ने उनको भी विदा कर दिया, बोले भाई इमरान को घर बैठ, क्या बैठकों में बुलाना बंद कर दिया, अब इमरान मसूद को अगला ठिकाना ढूंढ। ऐसा क्यों किया बहन जी ने? तो कारण होगा ना। क्या दोनों पार्टियां
इस बात का ख्याल रख रही हैं कि एक दूसरे को धोखा देकर आए लोग किनारे किए जाए पहले, ताकि जो बिटरनेस है दोनों पार्टियों की लीडरशिप में वो कम हो। इस बात से भी राजनीतिक गलियारों में इस चीज को बल मिल रहा है कि बसपा और कांग्रेस के बीच में कहीं कुछ पक रहा है क्या। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई बहुत बड़ी दावेदारी करने के मूड में भी नहीं है, लेकिन हाँ वही जरूर चाहेगी कुछ सीटों पर चुनाव अच्छे से लड़ जाए और गांधी परिवार के दो या तीन जितने भी सदस्य चुनाव लड़े उनके जीत के रास्ते में कहीं कोई रोड़ा ना आए। इसके लिए सपा बसपा दोनों के साथ उसका एक रिश्ता ठीक होना चाहिए, सपा के साथ ही बसपा के साथ भी एक कॉर्डल रिलेशन होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, उसका मेकनिज्म क्या होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि मायावती जी हार्ड बार्गेनर भी है और किसी भी सूरत में अगर वो ये INDIA के गठबंधन में आती है तो मानकर चलिए फिर वो आधा केक खुद अपने लिए रखेंगी, आधे में कहेंगी तुम सब बांटो, यानी 80 में से 40 सीटें खुद बसपा लड़े, 40 हो, 38 हो, 37 हो, लेकिन हाँ उससे कम नहीं। अखिलेश यादव के साथ भी जब 2019 में उनका अलायंस हुआ था मायावती जी का बसपा का, तो उन 2019 के अलायंस में मायावती जी ने अपने लिए 38 सीटें रखी थी और बाकी में अखिलेश यादव से कहा था कि आप आपके जितने सहयोगी हैं अजीत सिंह की पार्टी से लेके उन सबको आप इसमें निपटाइए। तो मायावती जी के लिए ये तो है कि अगर वो किसी भी तरीके से इस अलायंस का हिस्सा बनेंगी सीधे तौर पर तो वो आधे पर खुद की दावेदारी करेंगे, आधे में बाकी सारी पार्टियां होंगी। हाँ एक ये भी हो सकता है कि मायावती जी सीधे तौर पर अलायंस का हिस्सा ना बने और कांग्रेस हाईकमान या यूं कहिए गांधी परिवार के साथ एक समझ विकसित हो जाए कि गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़े, वहां पर बसपा उनको लिबर्टी दे, बसपा उनको जीत के लिए एक रास्ता दे, ऐसा भी सब हो सकता है। बाकी में बसपा अपने ढंग से अपने पत्ते चलेगी बाकी के लिए, लेकिन गांधी परिवार के लिए एक लीवरेज रहे, एक वरीयता रहे, ये भी हो सकता है। क्योंकि पहल प्रियंका गांधी के स्तर से हो रही है और प्रियंका गांधी और मायावती के बीच का मसला है, इसलिए इसमें जो नीचे की लीडरशिप है, सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप होती है, उसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं। और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके और बाकी कोई हो, या बसपा में तो आप जानते हैं एक से लेकर 10 तक बहन जी और उसके बाद दूसरों किसी का नंबर, तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि कांग्रेस ने अपने पुराने बसपाइयों को सब किनारे कर दिया और बसपा ने अपने यहाँ पुराने कांग्रेसियों को किनारे कर दिया। ये जो पहला गुडविल जेस्चर दोनों ने एक दूसरे के लिए दिया है, ये परवान चढ़ता है या नहीं, ये अपने एक तार्किक परिणति तक पहुंचता है या नहीं, ये देखना। धन्यवाद।